भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसको प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने संबोधित किया। 2 सितंबर से शुरू हो रहे सदस्यता अभियान के अंतर्गत भाजपा ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा की राजधानी लखनऊ की कार्यशाला का आयोजन किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश कश्यप की मौजूदगी में सहकारिता भवन में कार्यशाला की शुरुआत हुई। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से ओबीसी और SC ST का वोट बीजेपी से छटका है, उसके बावजूद मजबूत पेट बनाने के लिए बीजेपी ने सदस्यता अभियान में पिछड़ा वर्ग पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है। राजधानी के सहकारिता भवन में आयोजित कार्यशाला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान से जुड़ी जरूरी बातें बताईं। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बूथों तक समाज के पिछड़े वर्ग की सदस्यता को इसे सुनिश्चित करने के लिए अभियान के तहत हम घर घर जाएंगे। सदस्यता अभियान के पहले चरण में 2 सितंबर को प्रधानमंत्री जी सदस्य बनकर अभियान की शुरुआत करेंगे और हम लोग 25 सितंबर तक बीजेपी के सभी कार्यकर्ता, मोर्चा, प्रकोष्ठ, संघ संघ के सभी लोग बूथों पर जाकर सदस्यता अभियान को घर घर जाकर पूरा करेंगे। अगले चरण में 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक हम सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाएंगे, सक्रिय सदस्यता अभियान को पूरा करेंगे। हमारी पार्टी का लक्ष्य जितने वोट हमें राज्य में मिले उन वोटों में 75% हमें प्राथमिक सदस्य बनाने हैं। उसके बाद नवंबर में बीजेपी संगठन के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। संगठन के पुनर्गठन के साथ सदस्यता अभियान पूरा होगा। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने वाले लोग भी भाई बहनों, ये भी एक ऐसा दल है, इसमें इधर बैठने वाले लोग इधर बैठे और इधर बैठने वाले लोग इधर बैठे। समाजवादी पार्टी 1992 में बनी, अभी मुलायम सिंह जी से चल के अखिलेश जी तक ही पहुंची है। किसी का कोई नंबर नहीं है, चाचा जी ने कुछ फंड करी थी, ठंडे हो गए जाकर कोई बदल नहीं मिलता, ठीक है खड़ा हूं करी भी करी उसके पार्टी ने कुछ ज्यादा भी लेट करी, कुछ नहीं था कोई मतलब नहीं। और ये तय मान लो कि अगली बार जब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, उनका नेता बनेगा, तो अखिलेश जी के बच्चों में से ही कोई बनेगा, किसी की दो जीत रखे संभाल अभी भी मगरजाल हुई है। 1989 से जितने भी चुनाव उत्तर प्रदेश में आज तक हुए, 89, 91, 93, 96, 2002, 2007, 2012, 2019, तो लगातार कांग्रेस आ गए और नेता कौन हूं जय जयकार किसकी हो रही है, कोई आगे बढ़ने की संभावना ही नहीं किसी की। बहन जी का तो पता ही है आपको, कल 5वीं 6वीं बार बन गई, किसी को देने तैयारी नहीं है, किसी को देने तैयारी नहीं। कल 80 से आज तक तो मुझे नियुक्ति तो नहीं है, लेकिन कम से कम 15 रास्ते हो गए, 15 छोटे से तक नए लोग, और एक भी ऐसा कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष में नहीं है जिसके परिवार की कोई बड़ी राजनीतिक विरासत हो। मुझे लगता है आदरणीय राजनाथ सिंह भाजपा के जिलाध्यक्ष भी हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, ढूंढो किसी दल में अगर ऐसा किसी को अवसर मिला। एक व्यक्ति सामान्य से काम करते हुए, माननीय मोदी जी कभी भाजपा के पदाधिकारी नहीं रहे, लेकिन वो संगठन मंत्री के नाते लंबा कालखंड उन्होंने संगठन के लिए किया। आप जितने भी बीजेपी के लिए, और राम प्रसाद जी हम 2007 से 2009 तक एक पद पर 7 साल रहे, 2007 में राम प्रसाद जी हम क्षेत्र हम सबको सामना करना पड़ा। इजराइल तो दुनिया के शक्तिशाली देशों में, और इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से भरा है। इजराइल का जन्म 1948 में फिलिस्तीन
एक अरब देश था उसका विभाजन करके इजराइल का जन्म दिया और यहूदियों को हम बचा 48 से और लगातार सारे फ्रंटों पर चाहे मिस्र हो, लेबनान हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, सारे देश बॉर्डर शेयर करते हैं इजराइल। सबने अनेकों बार कई फ्रंटों पर इजराइल पर हमले किए, लेकिन भाई बोलो इजराइल ने हमेशा सब लोगों को प्राप्त करके एक ताकतवर अपनी शक्ति, सामरिक शक्ति, आर्थिक शक्ति के रूप में दुनिया को दिखाने का काम किया। लेकिन पिछले 8-9 महीनों से इजराइल इसी छदम युद्ध का सामना कर रहा है, छुप के बाहर कर रहे हैं और इजराइल को अपने जीवन काल का सर्वाधिक नुकसान जान माल का इस छदम युद्ध से हुआ। वो है तो ताकत बढ़ जो सबको सारे मोर्चों को हरा दिया, जैसे हमें हमारे देश को कभी चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या म्यांमार, बर्मा, सब लोग मिलकर हमला करें तो हम सबको परास्त कर। आपने देखा होगा आज से 30 साल पहले पाकिस्तान ने ये मान लिया कि हम हिंदुस्तान को परास्त करके कश्मीर नहीं ले। पहले उसमें लड़ाई हुई हमारे साथ 43 में, उसके बाद 65 में, 71 में, 1999 में, फिर अब उसने लिया कि हम हिंदुस्तान को लड़के नहीं जी। तो आज कश्मीर में भाई बहनों छाया पाकिस्तान लग रहा है, उस प्रकार की परिस्थिति है। आपका यही कांग्रेस के लोग जो आज संविधान आयोग की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा संविधान को कलंकित करने का काम, सबसे ज्यादा संविधान को संशोधन करने का काम अगर किसने किया तो आप जानते हैं। 1970 में किस प्रकार से इन्हीं नेताजी के पिताजी आदरणीय अखिलेश यादव जी के मुलायम सिंह की इमरजेंसी का विरोध करते हुए बड़ी संख्या में अपने साथियों के साथ 1900 जेल में का शिकार होने को देखा। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है, हमारी सरकार ने हमारे जो कमिटमेंट है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, हमें भाई बहनों सबने सुना। हो सकता है हमारे देश में संघीय ढांचा है, राज्य में संघीय ढांचा है तो विचार नहीं है, लेकिन हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की मंशा हमेशा देश को संगठित करके विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने। राहुल गांधी, कांग्रेस के लोग इस प्रकार की बातें आज कर रहे हैं, लंबे समय तक शासन करने वाले लोग आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। उनके एजेंडे को, उनके मन के भाव को हमें समझना है और पूरी ताकत के साथ हमें लोगों से घर घर जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के बाद एक व्यापक जनसंपर्क, बड़ा व्यापक जनसंपर्क हम सब लोगों ने दिया है, हमें घर घर जाना और निश्चित रूप से घर घर हम लोग जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, बताएंगे तो जो नेगेटिव प्रचार, एक छदम युद्ध का सामना हम लोग करना पड़ा। अब अगर आप देखेंगे छदम युद्ध क्या होता है, पूरे समय तक गुलाम रहे हम पहले अलग अलग, और उन गुलामों में बड़ा कारण ये रहा हम लोग कभी समझ नहीं पाए, हम लोग डटे रहे, छोटे छोटे ग्रुप आए और हम लोग प्राप्त करते सके। लेकिन आज 140 करोड़ लोगों का देश इस प्रकार से मोदी जी के पीछे खड़ा, तो कहीं ना कहीं दुनिया में हमारी ताकत और हमारी शक्ति को दुनिया पहचान लिए भाई। आज जब हमारी सरकार बनी तो हम 30-11 नंबर की अर्थव्यवस्था थे 2014, लेकिन आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। मोदी जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि इस कार्यकाल में, जो 2029 तक हमारा कालखंड है, उस कालखंड में हम 30वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की 30वीं बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में सामने हो। किस प्रकार की परिस्थिति जो कांग्रेस की सरकार की 2004 से 2014 तक
इस प्रकार का भ्रष्टाचार, बेईमानी, अराजकता की स्थिति 2012 से 2017 समाजवादी पार्टी की सरकार, लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या करते थे? सरकारी भर्ती होती, किसकी भर्ती होती? 5 वर्ष पोस्टिंग, ठेके, पट्टे कौन लोग करते? और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले, पूरा प्रदेश धरते माताओं बहनों के लिए निकलना दूर होता, और सरकारें दंगाइयों के साथ खड़ी रहती, संगठन में खड़ी। बम विस्फोट हुए, शंकर मोचन मंदिर में बम विस्फोट हुए, कचहरी में हुए, न्यायालय में हुए, और उन आतंकवादियों के सरकार मुकदमे वापस ले गए, सरकार नहीं सर। लेकिन हमारे देश की न्यायपालिका को मैं धन्यवाद करता हूं कि उसकी सजगता सजगता के कारण सरकार उस काम में सफल हुई है। एक बच्चा हमारा बहुत सौभाग्य, बहुत मेहनत करता है, उसके परिवार के लोग, उसके मित्र यार दोस्त सब कहते हैं ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और ये बहुत मेहनत करता है, जब परीक्षा होगी तो सब रिजल्ट आएगा 90%। कितना आएगा? 90%। मैं उसलिए कह रहा हूं कि आज से 20-30-40 साल पहले जब लोग हम यूपी बोर्ड की परीक्षा देते थे तो 50% में भी बहुत आनंद महसूस होता था, बहुत अच्छा लगता था। जब 50% रिजल्ट नंबर आ गए तो सेकंड क्लास पास हो गए, जय जयकार होती थी, घर में लड्डू बनते। तो हमारा जो नेता है उसने बहुत मेहनत की है, पता है सबके मन में थी तो ये रिजल्ट जब आएगा तो मोदी जी को 90% परिणाम कर दिया, लेकिन पूरे कारणों से 75% हो गए। तो भाई हो 75% की डिस्टेंशन, 75% की डिस्टेंशन, और एक नाकारा कुछ नहीं करता था, जी यदि घूमता था 17-18-15% नंबर आते थे, तो 25% में ही आराम हो गया, तो हमारा नाक हो गया, बोले मैंने कहा। तो वो स्थिति है कांग्रेस की, घुटक की पार्टी ठीक है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिणाम जैसा हम सोचते थे वैसे नहीं, क्योंकि हमें राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते हमने अपने साथी कार्यकर्ता भाइयों लोगों से बातचीत करके हमने उन सब कारणों को जाना, उन कारणों को समझने की कोशिश की है, इस प्रकार से परिणाम हमारे हाथ में है। और ये होता कभी कभी हिंदुओं में होती है, हो सकता है।